अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्मा जी के मंदिर, उसके ये पटांगण के अंदर, ये सामने गेट है, वहां से हम लोग एंटर किया और यहाँ तक आने में थोड़ी दूरी है ये 50 फुट की। इसके बाद फिर यहाँ पहला ही मंदिर ब्रह्मा जी का है। यहाँ पे जो 6 मंदिर है, ये पहला मंदिर ब्रह्मा जी का। जय ब्रह्मदेव, जय श्री शंकर। हम लोग दर्शन करेंगे, अंदर जाएंगे, देखेंगे। जय ब्रह्मा जी, जय। मैं बोलूंगा साजन को ब्रह्मा जी का दर्शन, आप लोग ब्रह्मा जी का दर्शन कीजिए। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित, जो थोड़ा अंदर जाओ, ये ब्रह्मा जी की 9वीं और 10वीं सदी में बार लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है। और इसकी एक रोचक कहानी है जो 2-3 लाइन मेरे को जितना मालूम है वो, जब जो इतिहास के टाइम में शिव जी ने अवकृपा से ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मत्व है वो नाश किया हुआ था, जो शिव जी ने क्रोध में आके, ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा होगा, बार लिखा हुआ है कि अवकृपा जो बोले तो उसका मतलब होता है कि कृपा रहित, कृपा नहीं होती। तो ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप दिया होगा तो उसका ब्रह्मत्व जो है वो ब्रह्मत्वहीन हो गया थे, ब्रह्मा जी का ब्रह्मत्व चला गया था। तो फिर ब्रह्मा जी ने यही जगह पे शिव जी को फिर प्राप्त करने के लिए यही जगह पे तपस्या किया था, वो इस जगह का ये महत्व है। तभी ये 9वीं 10वीं सदी का है। और ये जो मूर्ति है वो कलात्मक मूर्ति है, काला पत्थर की ऐसे कुछ बोला है, लेकिन अभी तो इसमें पेंट बेंट किया हुआ है इसलिए थोड़ी अच्छी है। तो ये शिव जी का भी इसमें महिमा है, शिव जी का भी महिमा है। फिर यहाँ पे तपस्या करके ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को प्राप्त किया था और अपनी जो अवकृपा से फिर वो कृपा प्राप्त की, यही कहानी यहाँ पे बार लिखी हुई है। यहाँ पे बाजू में मूर्ति है जो माँ की है। त्रिशूल है, सामवेद, अर्जुन वेद, ऋग्वेद और अर्थवेद, और 2 मुख है इसका, 3 मुख है, 1, 2, 3 और एक यहाँ भी। हाँ, इसका पीछे भी एक मुख है जो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ये दोनों तरफ मुख है जो ब्रह्मा जी का। ये बहुत ही बहुत ऐतिहासिक जगह है ये, और ये हमारे भाग्य में हो तो इसका दर्शन होता है। यहाँ जो उसका ललाट पे है जो शिव जी का निशान होता है, क्योंकि शिव जी के हिसाब से, शिव जी की दया से और फिर उसको वो प्राप्ति मिली थी। और यहाँ पे शिव जी की लिंग और नाग देवता का भी स्थापन है, तो थोड़ी दाहिने ओर। ये मंदिर का महत्व हम लोग थोड़ा हमारी भाषा में जो भी हमको मालूम है उतना आप लोगों को, लेकिन आप लोग अपने घर बैठे बैठे ये दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत भाग्य से मिलता है ऐसा, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ 2 ही ब्रह्मा जी के मंदिर बताते हैं। और हमारा कैमरामैन साजन का ये देखो कितना खूबसूरती से ये उसका वीडियो, उसका शूटिंग जो दिखा रहे हैं आप लोगों को, वो भी अमेजिंग है, यानी के बहुत ही खूबसूरत और सुंदर तरीके से तो बताने की कोशिश, क्योंकि हम लोग ये हमारी जो भावनाएं होती है ना वो ज्यादातर असर होता है उसका भावनाओं का। बाकी ऐसे दर्शन करके तो बहुत ही लोग चले जाते हैं।
तो भाई आप घर बैठे बैठे ब्रह्मा जी का दर्शन कीजिए। जो भाग्यशाली लोग होते हैं यहाँ पे आते हैं और दर्शन पाते हैं। जय ब्रह्मदेव जय। अभी हम लोग इस तरफ फिर दूसरा मंदिर है जो लक्ष्मी नारायण, यहाँ पे ब्रह्मा जी की एक तस्वीर पेंटर की हुई है। ब्रह्मा जी और गायत्री माँ है मेरे, ब्रह्मा जी और गायत्री माँ की तस्वीर है। ब्रह्मा गायत्री यज्ञ के रूप में जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं। फिर उसके सामने नाग देवता के रूप में, नाग देवता के रूप में शायद मेरे ख्याल से, या नाग कन्या हो सकती है, सॉरी हम लोग जो पूरा मालूम नहीं, इसलिए हम लोग इसका जो निशान है उसके ऊपर से बोल रहे हैं। तो नाग कन्या ये सामने है, छोटी सी मूर्ति है। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर, और यहाँ पे पीछे जो हमारा ये पूरा पूर्वजों का ऐसा आंबा होते हैं जिसको आंबा बोलते हैं, मैं सब परिवार का होता है ऐसा, जो जो पूर्वज हमारे होते हैं वहां, यहाँ एक पीछे फोटो भी है संत श्री हरदेव मुनि। हरदेव बापू, हम लोग यहाँ थोड़ी जानकारी मिली है कि हरदेव बापू यहाँ पूजा करते थे पहले और ज्यादातर यहाँ रहा, और बाजू में उसकी भी मूर्ति स्थापित है जो ब्रह्मलीन हो गए हैं। उसका परिवार का ये पूरा आंबा है जो नारायण परिवार के नाम से जाना जाता है। तो मियाणी में अभी वो परिवार पूरा रहता है, तो वो उसका इसके पीछे रखा हुआ है वो आंबा है। अभी आप दर्शन कीजिए लक्ष्मी नारायण मंदिर का। गणपति जी हमारी बाई और, फिर राधे कृष्ण, फिर लक्ष्मी नारायण, और उसके बाद जो दाहिने और, हर मंदिर में ये होते हैं हनुमान बाबा, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है सामने। इसी तरह ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का लक्ष्मीनारायण मंदिर का पूरा ब्योरा आपको दिया, देखिए आप। अभी हम ये तीसरा मंदिर है ब्रह्मा जी का, लक्ष्मीनारायण का, फिर यहां से तीसरा मंदिर है जो महंत श्री हरदेव मुनि, इसका जन्म 1968 में हुआ था और ब्रह्मलीन 2048 2048 में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी 2052 में, और 67 और 37। ये जो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बापू की जो यहाँ ज्यादातर पूरी जिंदगी यहाँ पे उसको मंदिर की सेवा भाव और पाठ पूजा में ही गुजारी है हरदेव मुनि ने। हरदेव मुनि उदासीन आश्रम भी है, ब्रह्मुनि ब्रह्मा जी मंदिर मियाणी, ये प्राण प्रतिष्ठा का ही यहाँ पे डेट है 30/7/1993। हरदेव मुनि महाराज के बाद यहाँ बीच में जो मंदिर नहीं है लेकिन बापू की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। शायद यहाँ पे ही पूजा पाठ करते होंगे मंदिर की सेवा में। उसके बाद ये चौथा मंदिर है, ये शिव जी का है। सामने बाहर की ओर नंदी, नंदी और कछुआ, यहाँ पे दोनों की मूर्ति स्थापित है। आप लोग दर्शन कीजिए ब्रह्मा जी का, ये ऐतिहासिक मंदिर, हिस्टोरिक टेम्पल इन इंडिया, ओनली 2 टेम्पल्स इन इंडिया जो ब्रह्मा जी
ये शिव जी का मंदिर है, जय शिव शंकर महादेव। शिव जी और माँ पार्वती जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर, मैंने प्याला तेरे नाम का पिया। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। शिव जी की ये शिवलिंग, नाग देवता, फिर पार्वती, पार्वती की प्रतिमा सामने है पीछे। शिव जी महाराज का दर्शन। ओके दोस्तों, बाय। शिव जी के दर्शन के साथ अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो बहुत ही रोचक होगा। और इसके बाद आपको जो दिखाएंगे हम, वो आप लोग जरूर देखना चाहिए, क्योंकि गाय माता की यहाँ एक कहानी है, उसकी समाधि है, उसकी प्रतिमा है, उसका दर्शन कराएंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसलिए ये वीडियो को मिस मत करना और नेक्स्ट टाइम जरूर देखना। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।